नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। खंड शिक्षा अधिकारी का मॉडल पेपर नंबर है 59 और शुरू करेंगे इसको 58 में दिए गए होमवर्क के सही उत्तर से। तो मैंने तीन प्रश्न पूछे थे आप लोगों से। पहला सवाल था कि पौधों की लंबाई वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम बताइए और इसका सही जवाब है जिबरेलिन, जिबरेलिन। और एलिसा टेस्ट, इसके द्वारा किस रोग की जाँच की जाती है, तो सही जवाब है एड्स। और तीसरा सवाल था कि पाबुक नामक जो तूफान है ये जनवरी 2019 में किस देश में आया था, और इसका सही जवाब है थाईलैंड। तो बहुत सारे लोगों के जवाब बिल्कुल सही थे और कुछ लोगों ने इसे पूरी व्याख्या के साथ भी लिखा था। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब आज के टेस्ट को शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न होंगे जो कि करंट अफेयर्स पर आधारित हैं, कुछ प्रश्न स्टैटिक जीके के साथ साथ, उसके बाद हिस्ट्री के भी कुछ प्रश्न होंगे। सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला सवाल ये होगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस और एक दिवस और है, दोनों को 25 जनवरी को मनाया जाता है एक साथ, तो ये दूसरा दिवस कौन सा है, ये आपको बताना है। 25 जनवरी को ही ये दोनों दिवस एक साथ सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो सही जवाब क्या होगा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या फिर उत्तर प्रदेश दिवस। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, इन दोनों को 25 जनवरी को ही मनाया जाता है, तो विकल्प ए हमारा सही जवाब है। याद रखिएगा कि 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश दिवस, इन तीनों को एक ही दिन 24 जनवरी को मनाया जाता है। 27 फरवरी को होलोकास्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सब कुछ प्रश्न हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी हैं। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स इनिशिएटिव, इसको शॉर्ट में कहेंगे WBFI, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएटिव। एक सर्वेक्षण किया गया है और इसके अनुसार कौन सा देश स्तनपान दर में शीर्ष पर है, ब्रेस्ट फीडिंग रेट में कौन सा देश पहले स्थान पर है, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि श्रीलंका। भारत को कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट 2019 रिपोर्ट में किस स्थान पर रखा गया है, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट 2019 में भारत का स्थान कौन सा है। तो दोस्तों कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CDP, ठीक है, भविष्य की जलवायु और व्यावसायिक साझेदारी पर आधारित एक रिपोर्ट है जिसको नाम दिया गया है क्लाइमेट एंड बिजनेस पार्टनरशिप ऑफ द फ्यूचर, CDP इंडिया एनुअल रिपोर्ट 2019। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि औद्योगिकरण से, व्यवसायीकरण से कार्बन का उत्सर्जन भी होता है, तो ये दोनों का एक संतुलित अध्ययन माना जाता है जिसको कार्बन डिस्क्लोजर रिपोर्ट नाम दिया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 6,900 कंपनियों ने वर्ष 2018 में कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट के माध्यम से पर्यावरण संबंधी डेटा का खुलासा किया है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन फर्मों का वैश्विक पूंजीकरण में लगभग 55% योगदान है और इस रिपोर्ट में अमेरिका पहले स्थान पर है, जापान और यूके क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है, अमेरिका पहला, जापान दूसरा, यूके तीसरा, भारत पाँचवें स्थान पर और फ्रांस चौथे स्थान पर है। जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने जल दक्षता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जल दक्षता में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, सही जवाब है इसका ऑप्शन डी गुजरात। याद रखिएगा यह सर्वेक्षण किया गया था जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या रही, ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या रही। तो दोस्तों 2018 में भारत 78वें स्थान पर था और 2019 में भारत की स्थिति दो अंक नीचे गिर गई, यानी कि भारत पहुँच गया है 80वें स्थान पर। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ध्यान दीजिएगा कि वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करता है कौन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, जिसकी 50वीं बैठक अभी हाल ही में दावोस में हुई है। और उसी दौरान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया गया है। तो जो इसमें जो भारत की रैंक है, मैंने आपको बताया था कि कुल 189 देशों में 80 है, पहले स्थान पर है डेनमार्क। दुनिया में 1 ट्रिलियन पेड़ों को उगाने, उनको जो है पुनरीक्षित करने और संरक्षित करने के लिए 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रखा गया है।
तो ये टारगेट कब तक पूरा कर लिया जाएगा, ये प्रश्न है यहाँ पर। 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव नाम का जो WEF का टारगेट है वो किस वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा, ये प्रश्न है यहाँ पर। और सही जवाब इसका 2030 तक। आपको बता दें कि 20 से 24 जनवरी 2020 के दौरान दाबो स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक हुई थी। याद रखिएगा इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। WEF की 50वीं बैठक कहाँ पर हुई, दाबो स्विट्जरलैंड में। और इस बैठक के दौरान फर्स्ट .org प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य विश्व भर में 1 खरब 1 ट्रिलियन पेड़ों का संरक्षण करना है। घोषणा विश्व आर्थिक फोरम के संस्थापक व कार्यकारी अध्यक्ष क्लाउस स्वाब ने की है। इस कार्यक्रम के तहत विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2030 तक विश्व भर में 1 ट्रिलियन पेड़ों को उगाने, पुनर्स्थापित करने और संरक्षित करने के लिए 1 ट्रिलियन इनिशिएटिव नामक कार्यक्रम शुरू किया है। हिंदी उपन्यास बलवा के लेखक कौन है, हिंदी उपन्यास बलवा, और दोस्तों इसका सही जवाब है मुख्तार अब्बास नकवी, यानी कि विकल्प सी। कौन सा शब्द वर्ष 2019 का हिंदी ऑक्सफोर्ड शब्द चुना गया है, 2019 के लिए हिंदी ऑक्सफोर्ड शब्द, ये प्रश्न मैं कई बार करवा चुका हूँ और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब इसका ऑप्शन सी यानी कि संविधान। ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव का तीसरा संस्करण थर्ड एडिशन भारत में किस राज्य में आयोजित किया गया, ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव का तीसरा आयोजन। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यह आयोजन प्रतिवर्ष नहीं होता है, काफ़ी लंबा गैप होता है, तो तीसरी बार इसका आयोजन किया गया है भारत के गुजरात नामक शहर में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। याद रखिएगा कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये शिमला में स्थित है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो सही जवाब होगा आपका शिमला। और इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का जो हेडक्वार्टर है वो लीमा यानी कि पेरू में है। हाल ही में भारत में कितने वेटलैंड्स को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, दोस्तों यहाँ पर दो बातें आप जरूर याद रखिएगा। पहला सवाल कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट्स हैं, दूसरा सवाल कि भारत में कितने रामसर साइट्स हैं, दोनों के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले भारत में कितने वेटलैंड्स को रामसर स्थल के रूप में अभी हाल ही में शामिल किया गया, तो सही जवाब है इसका कुल 10। अब तक जो भारत में टोटल रामसर साइट्स थे उनकी संख्या 27 थी, अब 10 बढ़ गई, तो अब टोटल जो रामसर साइट्स हो गए भारत में ये 37 हो गए। और उत्तर प्रदेश में 6 नए रामसर साइट्स खोजे गए हैं सबसे अधिक, और एक पहले से था, तो अब उत्तर प्रदेश में कुल 7 रामसर साइट्स हो गए हैं। तो ये जो नए 10 रामसर साइट घोषित किए गए हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। एक तो महाराष्ट्र में घोषित किया गया, ये महाराष्ट्र का पहला रामसर स्थल है, इसका नाम है नंदूर मदमहेश्वर। और 3 जो हैं पंजाब में जोड़े गए हैं, इनके नाम है केशवपुर मियानी, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व और नंगल। ये 3 कहाँ पर जुड़े गए, पंजाब में। इसके अलावा 3 पहले से ही पंजाब में थे, तो अब पंजाब में कुल रामसर साइट हो गई हैं 6। उत्तर प्रदेश में 6 जुड़े गए, कौन कौन से, नवाबगंज, पार्वती, आगरा, समन, समस्तपुर, सांडी और सरसैनवार, ठीक है। तो ये 6 एक पहले से था, तो अब यूपी में सब हो गया टोटल 7। इसरो द्वारा मानव रहित अंतरिक्ष अभियान में भेजी जा रही महिला रोबोट का नाम क्या होगा, महिला रोबोट का नाम क्या होगा, व्योमकेश, व्योममित्र, अंजलि या फिर व्योमा। सही जवाब इसका व्योममित्र। तो दोस्तों इसरो की योजना के अनुसार दिसंबर 2021 के ऐतिहासिक गगनयान अभियान से पहले 2 प्रायोगिक परीक्षण किए जाएंगे। इन प्रक्षेपणों के माध्यम से मुख्य अभियान की सभी गतिविधियों, अभियान में शामिल व्यक्तियों और उपकरणों पर अंतरिक्ष के प्रभाव के आंकड़े जुटाए जाएंगे। और ये जो रोबोट भेजा जा रहा है जिसका नाम है व्योममित्र, ये एक सेमी ह्यूमनॉइड है। ह्यूमनॉइड का मतलब होता है कि ये हाव भाव को भी समझेगा और मनुष्य की जो मतलब भाव होते हैं, मनुष्य के जो भाव होते हैं उसको भी ये समझ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी या फिर ईंट। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लकड़ी, सॉरी पत्थर के द्वारा, ठीक है, पत्थर इसका सही जवाब है, याद रखिएगा पत्थर। कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला था, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, पाल और चोल,
राष्ट्रकूट, चोल और पाल। और दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाल। राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों के बीच कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष चला था। सूफी मत के अनुसार खानकाहों से क्या अभिप्राय है? खानकाहों वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, एक विशेष प्रकार का गाना होता है, नाम का गुणगान करना, नीति कथाओं पर चर्चा करना। सही जवाब है ऑप्शन ए, एक स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे उसे खानकाहों के नाम से जाना जाता था। चोल मंदिरों के विषय में कौन सा सत्य है? चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र थे। लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी। चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र थे या फिर जनसाधारण की भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए थे? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए, चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गए थे। इसी क्रम में अगला सवाल है, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि चोल राजाओं ने मंदिर और ब्राह्मणों को खूब दान दिया गया था, जिसकी वजह से जो चोल मंदिर होते थे वो काफ़ी संपन्न होते चले गए थे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में सही कथन क्या है? दिल्ली सुल्तानों के विषय में लिखी गई है तवारीख, इसके बारे में सही कथन क्या है? मैं आपको 3 सेकंड देता हूं, उसके बाद मैं आपको सही जवाब दूंगा। और दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। तो ये सही कथन है, बाकी सारे के सारे कथन गलत हैं। 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया था? मैं आपको 3 सेकंड देता हूं। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुमताज अली ने। अब ये अंतिम प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली के बाद कौन सा मेट्रो रेल देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है? कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद या फिर लखनऊ? सही जवाब है हैदराबाद मेट्रो रेल। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रश्न और उनकी व्याख्या सहित पूरी उत्तरमाला। उम्मीद करता हूँ कि ये टेस्ट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस टेस्ट से अगर आपको कोई लाभ हुआ या आपको लगा कि ये टेस्ट वाकई अच्छा था, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा किसी एजुकेशनल ग्रुप में। बहुत बहुत धन्यवाद, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।